गुड इवनिंग एवरीबॉडी हियर संजना आरती रितुल ईशरत और ईशरत चलिए खुशी शीतल एदल आरती अभिषेक अंकिता विदांश साक्षी निखिल रश्मि अभिषेक शिराज मोहिनी मिंकू कृष्णा विनीता अमित शाह मोहम्मद शिराज गुड इवनिंग भाई आदिल मालती अंजलि अंकित अभिषेक अहमद एंड ऑल ऑलवेस आपको भी स्वागत नमस्कार आप सभी को एंड वेलकम एवरीबॉडी हियर काजल आमिर हेलो फ्रॉम माय साइड टू चलिए रश्मि एंड एवरीबॉडी हियर अंकित रश्मि थैंक यू बेटा प्रगति तनु वेदांश राहुल तनु कोई बात नहीं रिया गुड इवनिंग वेलकम फ्रॉम माय साइड हियर नमस्कार आप सभी को वेलकम वंस अगेन 19th सेशन ऑन प्रीपोजिशंस नहीं प्रीपोजिशंस पर 19th नहीं है बट इट्स सीरीज का 19th सेशन है ऐसी पूरी आपको फिनिश करानी थी जाने से पहले आज डिस्कस बिकॉज़ आई होप सो करेंगे जो है। और जो के बाद देख रहे हैं, आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं एक्सेसिबल रहेगी मुझे भी आपको आगे क्या करना है आप लोगों के ओपिनियन के साथ में ठीक है स्टार्टिंग दिस को नमस्कार वेलकम दिस इज कपल शर्मा एंड वेलकम एवरीबॉडी बारी

टेलीग्राम ओपन करके आप वहां सर्च करके भी पा सकते हैं, 7 8 शाम बजे, की रहती हैं और आठ बजे रहते हैं रोजाना तो जो लोग प्लस पर है, आ सकते हैं और फैमिली में, से कोई भी, आप में से कोई भी, पर आना चाहे तो फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट में रिकॉर्ड के साथ पा सकते हैं Kapil, sir, he, 10%. चाहे वो बैंक हो एस हो यूपीएससी हो या किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात क्यों ना हो

और हाँ बहुत सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए चाहे वो एस हो आई हो एस बी आई पी ओ क्लाक आई एस ओ पी ओ क्लाक या फिर इनके प्रियोर मीन सब के कोर्सेज मौजूद हैं तो कोई चेक करके यहां से प्रैक्टिस कर सकता है इस सैटरडे फिर से स्पेशल क्लास रहेगी हमारी प्रैक्टिस की जिसमें कि अभी तक जो हमने पढ़ा स्पेशल इम्फेसिस प्रपोजिशन पर रहेगी तो आपसे मिलना चाहूंगा प्रपोजिशन के लिए एनरोल कर लीजिएगा सैटरडे आपसे मिलते हैं इन अ स्पेशल क्लास कंडक्टेड फ्री एवरी सैटरडे नाइन फिफ्टीन आज से नया बैच स्टार्ट होगा ट्वेंटी एट ऑफ सेप्टेंबर जिसमें के फाउंडेशन कोर्स है ग्रामर का शाम 6:55 पर स्टार्टिंग टुडे आज से जिसका नेक्स्ट पार्ट 13 से स्टार्ट होगा ऑलरेडी प्रोफाइल पर है एनरोल करके लाइव आ सकते हैं और डेली शाम आठ बजे उस क्लास के बाद एक प्रैक्टिस सेशन रहता है रिसेंटली स्टार्टेड ऑन 22nd ऑफ सितंबर नेक्स्ट स्टार्ट्स ऑन 6th ऑफ अक्टूबर सारे प्रोफाइल पर अवेलेबल हैं जो लोग प्लस पर हैं चेक करके रोजाना लाइव आ सकते हैं पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग दिस सेशन नाउ नाइनटीन है प्रोपोजिशंस पर आप सभी को वेलकम वंस अगेन शराब जरूर 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 कभी फ्री हो तो अपने साथ ले आइएगा वेलकम एवरीबॉडी हियर अदिति प्रांजलि क्या बात है शुक्रिया अहमद डोरेमोन छाया स्वीटी रितुल एंड एवरीबॉडी हियर ऋषिकेश एंड ऑल ऑफ़ ठीक है नाइनटीन डे प्रपोजिशंस लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ थर्ड एक्सरसाइज पर कल पहुंचे थे और शायद पांच सात सॉल्व कर लिए थे इसके मैंने फर्स्ट बता दिया था वो बहुत ज्यादा घमंडी है बिकॉज uh, ऐसे परिवार से है वैसे परिवार से है कहाँ से है कम्स ऑफ अ रिच फैमिली लिखना पॉसिबल था बताया था आपको फ्रॉम हिंदी में अच्छा लगेगा इंग्लिश में गलत है ही हैज नॉट कम टू मीट मी ऑल दो ही इस्तेमाल परफेक्ट में कीजिए आप पास्ट एंड के नाते, अगो का का He came a week ago, एक प्रोपोजिशन अप का इस्तेमाल कीजिएगा ऑन में तो आप ऑलरेडी उसके ऊपर हैं हर किसी को नहीं पता या जानते हैं कि कानपुर क्यों फेमस है कानपुर इज फेमस फॉर व्हाट व्हाट आगे लिखा है प्रोपोजिशन बाद में लिख दीजिएगा जैसे कल समझाया था कि बाय हुम की स्ट्रक्चर सब जानते हैं बाय हुम वॉज दिस डन वो लिखा जा सकता है हु वॉज दिस भी एक पॉसिबिलिटी है वॉइस में आप सबने पढ़ा होगा और एक समझा दिया था विश्ड फॉर एनी थिंग और एनी रिवॉर्ड ऑल दो ही सर्वड हाँ मैंने डाउट पूछी थी एक मैंने कहा था होमवर्क है जाते वक्त बता दीजिएगा कि ये ही हैज सर्वड सफरिंग ह्यूमैनिटी ये थोड़ा समझ नहीं आया जल्दी से कोई कॉमेंट हमें से जो लोग कल थे होमवर्क दिया था मैंने और आगे आज स्टार्ट करते हैं। शेरी गुड इवनिंग भाई थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू अभिषेक हाँ जी जल्दी जल्दी निखिल सही हैं क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल आउट हेयर प्रपोजिशंस पढ़ने कितने लोग आए हैं एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 ज्यादा वंशिका वीडियोस अवेलेबल हैं एक बार चेक कीजिएगा आपको वीडियोस मिल जाएंगे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है इंग्लिश बाय कपिल सर और इसकी शुरुआत से इसकी क्या पूरी किताब की शुरुआत से सारी एक्सरसाइज करा दी है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा डाउट है आप कभी लाइव आकर पूछ सकते हैं वेदांश परफेक्ट डिस्क्रिप्शन एज ऑलवेज फ्रॉम योर साइड हेलो एवरीबॉडी हियर आंसर कुछ पूछा था आपसे आप ही को समझाने के लिए जज करने के लिए नहीं ही नेवर फॉर एनी रिवार उसने कभी कोई अवार्ड और अवॉर्ड नहीं मांगा हाँ जिंदगी भर उसने सेवा की है ही हैज सर्वड किस की, की उसने जिंदगी भर ह्यूमैनिटी को सर्व किया है मानवता को सर्व किया है लोगों को सर्व किया है थ्रू आउट इज लाइफ पर कौन से मानव कौन सी ह्यूमैनिटी जो रिच है जो ऑलरेडी सर्वगुण संपन्न है ना 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 पीपल हु आर सफरिंग द ह्यूमैनिटी विच इज सफरिंग तो ह्यूमैनिटी पार्टिसिपल हो जाएगा किसके लिए सॉरी सफरिंग पार्टिसिपल हो जाएगा किसके लिए ह्यूमैनिटी के लिए और जो दोनों ही केसेस में इसका ऑब्जेक्ट रहेगा नाउन फॉर्म है ही हैज सर्वड ह्यूमैनिटी ही हैज सर्वड सफरिंग ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिज लाइफ शिकायत है पूछ सकते हैं आज જરા યહાં સે સ્ટાર્ટ કરતે હે નેક્સ્ટ સાચું છે બઢિયા પરંતુ વોઝ ક્યોકી 휴ਮેનિટી અનકાઉન્ટેબલ ઓર સિંગ્યુલર સેન્સ મે જાયેગા તો વર્ નહી આયેગા બસ ઉસકે સાથ સુરીલી કરेक्ट कोई बात नहीं अभिषेक नाना यू मत कीजिए क्या आप जानते हैं अरे शाकिल बहुत बढ़िया <laughs> ये तो आपने वो समझा दिया जो मैं डाउट में शायद पूछता भी नहीं मैं तो हक से कह रहा हूं मैं पूछता भी नहीं वो आपने समझा दिया क्या बात है रिस्पॉन्स बहुत शांत है हम लोगों का नहीं समझ आता सब लोग शांत हैं देखिए ऑपरेट का मतलब थोड़ा बहुत आप लिखेंगे अच्छा लगेगा बाकी मैं मैं समझाने के लिए मैं नहीं जज कीजिएगा आप बाखूबी मतलब इन शब्दों को पहले पढ़ चुके हैं हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे वो बैंक हो चाहे एस हो चाहे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है या कुछ भी है आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट बाखूबी सुनी होगी कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों लैपटॉप चलाना आता है सॉरी सर नहीं आता तो ऑपरेट करने को ऑपरेटर कहा जाता है मेरी क्लास में है तो रोज के शब्द हैं एक्ट करने वाला एक्टर लीड करने वाला लीडर कूल cool करने वाला कूलर हीटर मैनेजर टीचर ईटीसी इन द सेम फॉर्मुलेशन जो ऑपरेट करता है किसी कंप्यूटर को उसको कंप्यूटर ऑपरेटर कह देते हैं कई विभागों में वैकेंसी निकलती है कंप्यूटर ऑपरेटर की लेकिन क्या डॉक्टर आपको चला के देखेगा कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर चलाता है तो डॉक्टर आपको चला के देखेगा कोई हॉस्पिटल की बात हो रही है दिल्ली हॉस्पिटल में आपको पता है कल डॉक्टर उसको चला के देखेगा भैया चालू हो कि नहीं बंद तो नहीं हो गए बटन आपके दबाएंगे शायद ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं तो ये कई बार काम आता है ऐसा नहीं कि सिर्फ एरर डिटेक्शन में काम आएगा एस के एग्जाम्स में कई बार वॉइस में भी इसे पूछा गया है कि द डॉक्टर विल ऑपरेट ऑन हिम टूमोरो ऑप्शन में आपको कई बार ऑन नहीं मिलेगा आपको पिक करना पड़ेगा बिकॉज ऑपरेट कर दोगे तो चला के देख लेगा जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं और डॉक्टर आपको चला के नहीं देखेगा ही विल ऑपरेट ऑन या ही विल बी ऑपरेटेड ऑन टुमारो इन अ याटेड हॉस्पिटल डू यू नो ही विल बी ऑपरेटेड ऑन पैसिव है बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ कोर्स बाय द डॉक्टर ऑफ कोर्स बाय द डॉक्टर समझने के लिए जो लिखने की जरूरत नहीं है नॉन डूअर है डॉक्टर ही ऑपरेशन करते हैं टीचर्स पढ़ाते हैं पुलिस अपना काम कर रही है किसी थीफ को पकड़ना है टीसी इनको मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है शाकिल की एक लाइन के साथ फिनिश करूंगा कि ऐसा ना समझे कोई कि टुमारो के साथ ऑन लिखा हुआ है ऑन टुमारो टुमारो के साथ ऑन थोड़ी आता है वो ऑपरेट के साथ ऑन है टुमारो के साथ नहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर यहां पर है और डॉक्टर्स के लिए ऑपरेट ऑन लिखना प्रिसाइज है। शिकायत है आप पूछेंगे नेक्स्ट गुड इवनिंग सुमन एंड दी अदर्स करेक्ट अभिषेक बढ़िया ऑपरेट इज फॉर थिंग्स एंड ऑपरेट ऑन फॉर पीपल गुड इवनिंग भाई नेहा शाकिल भाई बहुत अच्छे हैं एक्टिव हैं और शुक्रिया सभी को कीर्तिशु गुड इवनिंग डियर <coughs> आदित्य सिकरवार आप मुझसे ही पढ़ते हैं इफ एम नॉट रॉन्ग कॉम्पीट फॉर आदिल थोड़ा डांट लू हक से आप भी जानते हैं इस बात को अगर यही चीज क्रिकेट की भाषा में लिखी जाए तो एक टूर्नामेंट होने वाला है आईपीएल हो रहा है या मान लीजिए होगा मैं एग्जांपल दे रहा हूं वर्ल्ड कप होने वाला है चलो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होने वाला है एंड से एट टीम्स विल कॉम्पीट फॉर द वर्ल्ड कप या फिर इन द वर्ल्ड कप मतलब थोड़ा सा आपसे प्रेफरेंस चाहिए था बाकी फिर डिस्कस करने के लिए मैं तो मौजूद हूं इन द वर्ल्ड कप किताब का आंसर फॉर है हजार बार सही है इन से क्या शिकायत होगी अरे डोंट बी सॉरी बेटा समझाने के लिए लिखा था म, अच्छा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन तो दिए नहीं अदिति को डिफाइन करना चाहूं आपने जो पिक किया वो बढ़िया है बट एक चीज नोटिस करना इसीलिए कहा मुझसे पढ़ते हैं आप, As, capital है और कैपिटल लेटर्स हमेशा प्रॉपर नाउन को डिफाइन करते हैं सिंगर तो कॉमन नाउन है आप हजार बार सही थे कॉम्पीट के साथ विद भी लिखा जाता है मैं ही पढ़ाता हूं और आपको तो से सभी पढ़ाई भी नहीं है कॉम्पीट विद

वर्ल्ड कप से कॉम्पीट नहीं करने वाले तो दे वॉन्ट बी कॉम्पीटिंग वर्ल्ड का अदिति शायद समझ आ गया होगा या किसी और को लगाओ सिंगर होता तो फिर सही था दे बी विद द सिंगर्स लेकिन वो सिंगर वर्ल्ड कप है पूरे किसी टाइटल का नाम है रश्मि बढ़िया कॉम्पीट फॉर अ ट्रॉफी क्या बात है कॉम्पीट विद अ पर्सन परफेक्ट अभिषेक बहुत सही आदिल जी हां दोनों सही, हैं हाँ, with, दोनों सही है देखिए हाँ आप फॉर्मल इंग्लिश में मैं आगे और वेरिएशंस दिखाऊंगा जैसे कई बार डिफाइन किया है कि हम गलत हैं क्या वो डिस्टिंक्शन हमेशा टू बी प्रोसाइज यहां भी वही सिक्स टीम्स आर कॉम्पीटिंग फॉर एग्जाम के लिए तो यही सही है पर एक अलग कॉन्टेक्स्ट में इन भी गलत नहीं होगा छह टीम्स इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी और आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे अच्छा लिखा इस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए वर्ल्ड कप हमें भी जीतना है तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मेरे हाथ में भी होनी चाहिए अगर वर्ल्ड कप का मतलब ट्रॉफी से है तो कॉम्पीटिंग फॉर और वर्ल्ड कप किसी टूर्नामेंट से है तो टूर्नामेंट में तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पीट करते हैं इन दिस टूर्नामेंट फॉर दिस ट्रॉफी शिकायत है आप पूछेंगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हांजी सर न्यूज में ही लिखा जाता है पांच टीमें भिड़ेंगी लड़ेंगी दैट वे भिड़ना ज्यादा लिखते हैं वो लोग निखिल रिया शाखिल देखो अभी कोई गुस्सा मत करना एक आध बार वो कमेंट आई थी किसी भाई साहब की सर आप हमेशा एक्स्ट्रा क्यों चलते हो जितना किताब में उतना क्यों नहीं पढ़ाते एक भाई साहब आए थे पंद्रह दिन पहले तो मैंने सिर्फ यही कहा था कि भाई आजकल एग्जाम सिर्फ उतनी सोच से क्वालिफाई होते नहीं है किताब तो 2015 में पब्लिश हुई थी और पेपर उसके बाद भी बने हैं तो नई चीजें द हिंदू डेली लेकर आता है तो मैं क्यों ना मेंशन करूं चार शब्दों में से इफ आई से ये नो एरर है तो मुझे याद नहीं मैंने इसके बाद कोई स्लाइड लिखी है कि नहीं? नहीं है चलो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ वी वर टॉकिंग जर्मन पहले आप ये देख लो उसके बाद बात करते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन सुन लीजिएगा वी We वर जर्मन आपके कमेंट्स के साथ सही है गलत है गलत बोलने की हिम्मत मत करना बिकॉज सेंटेंस यहां से लिया है एक छोटी सी कंपनी है जो डिक्शनरी बनाती है छोटी सी है तो उनका सेंटेंस है वी वर टॉकिंग जर्मन तो हमने लिखा ढाई सौ पेज वाले भैया जी हाँ नहीं नहीं शाकिल बैंक में तो आपको बैंक में भी आपको एरर माननी पड़ेगी वो बहुत ही ज्यादा अलग चला जाएगा एग्जाम्स में आपको इसको एरर ही कहना पड़ेगा चाहे वो बैंक हो कैट हो कोई भी एग्जामिनेशन हो नहीं ये मैं नहीं कहूंगा कि बैंक में ही नो एरर ऐसा नहीं है ये गलत है पर माफ करना टॉक अबाउट किसी के बारे में बात करने को दिखाता है रिपीट टॉक अबाउट क्या बात कर रहे थे आप लोग वॉट were टॉक इन अबाउट किस बारे में डिस्कस कर रहे थे चल जाएगा इंग्लिश में टॉक transitive भी है किसी भाषा के लिए एक एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड से लिखा हुआ है वर टॉकिंग जर्मन वी वर टॉकिंग जर्मन हम इस भाषा में बात कर रहे थे और एक चीज ध्यान रखना मुझे मूवीज और शोज का याद है कि एक सेमिनार स्टार्ट करते वक्त मैं कह सकता हूं सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी हियर टुडे आई बी टॉकिंग शाहरुख खान टुडे आई विल बी टॉकिंग शाहरुख खान किसी टॉपिक को किसी कॉन्फ्रेंस में करने के लिए टॉक अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखती है ये ध्यान रखना जिसको ना पता हो टॉक अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखती है सीधा सीधा उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है बिना किसी प्रपोजिशन के कि टॉक टू मी टॉक इन अबाउट उस केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसी बात को एम्फिसाइज करने के तौर पर इन दिस मीटिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस विल बी टॉकिंग करप्शन शन we'll क्योंकि हम एजुकेशन पर जोर डालेंगे इम्फोसाइज करेंगे आज की मीटिंग में वो पॉसिबल था और यहां पर emphasis है नहीं यूनैमस चलने के लिए एग्जाम में तो गलत है मेरा इंटेंशन था आपको यह शेयर करना कि टॉक के साथ उसके खुद के ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं हमेशा प्रपोजिशन लगाना जरूरी नहीं है परंतु एग्जामिनेशन का सौदा बढ़िया देवर टॉकिंग समथिंग कहा लिखा है कि कर रहे थे देवर टॉकिंग अबाउट समथिंग बट आई डोंट नो वॉट देवर टॉकिंग अबाउट

टूडेम शराज गॉड ब्लेस यू वंदना गुड इवनिंग डेयर ये आशा करता हूँ रोज के वर्ड्स हैं इसमें शायद कोई डिस्टिंक्शन है नहीं कि वी प्रे गॉड थोड़ा महंगा पड़ेगा वी प्रे टू गॉड भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन फॉर द सेफ रिटर्न्स ऑफ रिटर्न आई एम सॉरी ऑफ हर सन ठीक है ये ब्लंडर थी तो आपने पिक कर ली मुझे नुकसान नहीं है हालांकि क्लास आगे चलेगी कि नहीं चलेगी वो आप लोग डिसाइड करेंगे बिकॉज एक्टिव मेंबर्स आप हैं ये कई बार मैंने आपसे कहा लाइव काउंट बहुत कम है पर मेरी फर्स्ट इंफोसिस आप पर ही है जो लाइव अपना टाइम देकर रोजाना यहां पर आते हैं मैं सहमत हूं कई लोग मजबूरी वश नहीं आ सकते बाद में सेशन को देखते हैं ऑल वेलकम परंतु सभी से रिक्वेस्ट इस सेंटेंस में एक मिस्टेक भी है कैन यू हेल्प मी आइडेंटिफाई इस सेंटेंस में एक और गलती है जो मिस्टेक नहीं वो भी ब्लंडर ही है चलो वो मिस्टेक नहीं एक और ब्लंडर है वंदना वो शिकार के लिए होता है वो शिकार के लिए होता है आदिल थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द आंसर डोरेमोन शुक्रिया हाँ जी शिल लेकिन यहां रिटर्न की बात नहीं हो रही इनकम टैक्स वाला एवरी डे इज द करेक्शन जी हाँ ये जो एवरी डे लिखा है मैं शांत रहा बिकॉज थी और इसको प्रिंटिंग मिस्टेक माना जा सकता है जिसने वो लिखा होगा टाइप किया होगा दैट वे बिकॉज एवरी डे एजिक्टिव है जो स्क्रीन पर लिखा है किसी को विश्वास ना हो तो भाई डिक्शनरी खोलकर चेक कर लीजिएगा ये एडजेक्टिव है इसके साथ नाउन आती है रोज का खाना रोज का उठना बैठना रोज का रोज की मील्स, एवरी मील एवरी डे मील ई सी और जब आपको एवरी डे चाहिए एडवर्ब तो बीच में आपको थोड़ा रूम देना पड़ेगा डे प्रतिदिन ईच डे एवरी डे अलग अलग शब्द हैं एडवर्ब्स में बाखूबी समझाया था फिर भी शिकायत है पूछ सकते हैं नेक्स्ट एवरी डे कॉन्वर्सेशन एवरी डे क्लास विनोद ये हां इसीलिए तो शांत थे कि वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है इसीलिए उसको ड्रॉप कर दिया और जब एडवर्ब की क्लास थी तो वही हमारी ब्लंडर थी मिस्टेक भी नहीं थी इसीलिए उसको साइड रख दिया बस अरे क्या बात है वंदना थैंक यू दिल से शुक्रिया आपको आपके वर्ड्स के लिए देखो फिर कहोगे सर शागिल बढ़िया आपने लिखा है दोनों वापस विद और फॉर जडेजा वाज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर पंथ देखिए सब्स्टिट्यूट विद भी होता है आई रिपीट सब्स्टिट्यूट विद भी होता है आप कई बार क्रिकेट में सुनेंगे कि कोई इंजर्ड हो गया तो वो बाहर है उसके बदले कोई और फील्डिंग करने आ गया कॉट बाय सहवाग फॉर एग्जाम्पल उसके बाद ब्रैकेट में कई बार देखा होगा क्रिकेट हम सब लोग देखते हैं ऑलमोस्ट एस यू बी लिखा होता है सबस्टिट्यूट उनके बदले आज ये फील्डिंग करेंगे तो मैं सहमत हूं कि सब्सटीट्यूट फॉर लिखा जाएगा परंतु विद भी मैंने देखा है और मैं क्या आपको एग्जैक्ट वर्ड दिखा देता हूं डिक्शनरी के तो पहले तो इसका काम कर लेते हैं आंसर का इन अ शॉर्ट टाइम बहुत जल्द ही द न्यू स्टाफ विल बी फॉर जो लोग आई नहीं रहे तो हैं तो उनके बदले हम नया स्टाफ ले लेंगे हालांकि विद हाँ, भी सही है बट थोड़ा प्रेफरेंस नहीं जाएगा और हंड्रेड परसेंट सही है ठीक है विद भी सही है डिस्क्रिप्शन कुछ यहां मौजूद है आप पढ़ेंगे ज्यादा क्लैरिटी होगी एक बार देख लीजिए मस्ट बी खोल एन शल डिस्क्रिप्शन ये रहा और छोटी सी डिक्शनरी है ना वो उसका रेफरेंस दे देता दे हूं ठीक है ऑब्जेक्शन वेलकम आई होप सो कुछ क्लैरिटी आपको मार्क की बिकॉज आई स्वेर मुझे क्रिकेट की भाषा से सब्सटीट्यूट विद ज्यादा सुनने को मिला एज अ वर्ब एज अ वर्ब नाउन नहीं और आंसर देखा सब्सटीट्यूट फॉर तो मेरी खुद की डाउट थी हाँ भाई सब्सटीट्यूट फॉर भी होता है पर मैंने तो विद भी खूब सुना है फिर क्या करें तो जो डिस्क्रिप्शन था वो आपके सामने है जी हाँ रिप्लेसिंग वन विद दी अदर हाँ जी एब्सोल्यूटली परंतु आजकल ठीक है आप मानते हैं इसको भाषा का पार्ट है लेकिन इसको उतना स्पेसिफिक नहीं माना जाता लिखा होगा नॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश है हाँ जी स्टैंडर्ड इंग्लिश है फॉर्मल उतना नहीं कहोगे फर्स्ट और मोस्ट प्रेफरेंस आपका सबस्टिट्यूट फॉर का ही जाएगा ठीक है डाउट वेलकम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट भी ले लिया शुक्रिया मैनी एंड शेयर अनकाउंटेबल क्वेश्चन ऑफ द डे शुक्रिया अंकित बहुत बढ़िया <laughs> देखिए अलोंग द रोड बढ़िया है जिन्होंने भी लिखा निखिल ने लिखा शायद ऑन द रोड भी बढ़िया है पर आप बाखू भी जानते होंगे कि वी से ट्रेवल बाय कार बाय बस बाय प्लेन बाय रोड बाय या जो भी आप कहना चाहोगे ये पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं बाय एयरमेल बाय प्लेन ई टी सी तो आप सभी के आंसर्स पर 100 परसेंट सहमति है इतने एग्जैक्टली exactly आप भाषा को बांध भी नहीं सकते कि नहीं नहीं सिर्फ एक ही आंसर सही होगा हर चीज को वेरिएट करने के बहुत सारे पॉसिबल वेरिएशन हैं तरीके हैं जिनसे आप उन्हें लिख सकते हैं बट फिर भी यू शुड नॉट लीव नाउ अभी मत जाओ बिकॉज दिस रोड इज नॉट सेफ टू जिन्होंने ऑन लिखा सहमति जिन्होंने अलॉन्ग लिखा बुरी नहीं है पर उतना प्रेफरेंस नहीं होगा हाँ जिन्होंने बाय लिखा वो किताब का भी आंसर था वी ट्रेवल बाय रोड बाय एयर बाय सी कहां से जाना है समुद्र के रास्ते जमीन से या फिर हवा में जाना है वहां पर तो बाय भी एक पॉसिबिलिटी है हां ऑन द रोड जैसे कल था ऑन द वे अलोंग द रोड के सहारे सहारे पर ट्रेवलिंग की बात करोगे तो अलोंग का प्रेफरेंस मत रखना बिकॉज वी वॉक अलोंग द रोड रोड चल रही है अब रोड पे तो नहीं चलूंगा गाड़ियां आती हैं तो मैं चुपचाप उसके किनारे चल रहा हूं वॉक अलॉन्ग में आ जाता है जबकि रोड पर ट्रेवल करने के केस में आप या फिर बाय को प्रेफरेंस रखें बाय अच्छा था उनका ऑन भी बढ़िया था अलॉन्ग को मैं थोड़ा प्रेफरेंस तब दूंगा गलत नहीं कह सकता अब है पूछेगा वो फेन ऑन टू द नेक्स्ट वन नो ट्रेन इज सेफ टू by बाय परफेक्ट रिया अंकित बढ़िया सुनील बिल्कुल ऑन फुट ही होता है कैसी बात कर रहे हैं डोंट डोंट आई हैव अ फ्रेंड टू गो विद आई नीड सम पेज और पेपर टू राइट ऑन आई नीड अ पेन टू राइट विद ही हैड नो हाउस टू लिव इन ही नीडेड इंक टू राइट इन स्वीटी फर्स्ट प्रेफरेंस इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट बाय एयर पहला साक्षी साक्षी क्या बात है जी हां जैसे कल था प्रेजेंट फोटोकॉपी ये भी उसी की है प्रेजेंट समबडी प्रेजेंट समबडी समथिंग नहीं प्रेजेंट समबडी विद समथिंग पॉसिबिलिटी है ठीक वैसे ही प्रोवाइड पॉसिबिलिटी कल डिस्कस किया था आई सो so यहां शिकायत नहीं होनी चाहिए जी हां आदिल आपकी कमेंट में स्कूटर जो था उन्होंने रिव्यू के लिए डाल दिया स्पैम समझ के माय फादर हैज प्रोमिस्ड मी कल भी सेम सेंटेंस था थोड़े से अलग शब्दों में टू प्रेजेंट मी विद अ स्कूटर और टू प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर टूडे दैट डे नेक्स्ट डे जो भी आपका होगा तो ये कल डिस्कस कर लिया था मैटर ऑफ ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए फिर भी है आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट डिस्पेंस समथिंग टू समन क्या बात है बांट देने के तौर पर क्या बात है अब ये तो सही लग रहा है यार डिफर के साथ तो फ्रॉम ही आता है विनोद सही है शाकिल एज ऑलवेज परफेक्ट डिस्क्रिप्शन वेदांश बढ़िया हाँ जी निखिल हाँ क्योंकि हमें आदत है डिफर फ्रॉम करने की इट डिफर्स फ्रॉम दैट आदल परफेक्ट भाई परफेक्ट आपकी मेहनत बहुत अच्छी है He always differs from his friends in views on life. माफ कीजिएगा अगर सेंटेंस यहां तक होता तो मेरा आंसर मेरा नहीं इंग्लिश के हिसाब से आंसर नो एरर होता और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ एसएससी और बैंक में और कहीं पर भी He always confirm, सॉरी, sorry, he always differs from his friends. वो अपने दोस्तों से थोड़ा अलग नहीं है वो इस तरह दिखता है दोस्त ऐसे दिखते हैं उसकी दो आंखें हैं दोस्तों की पांच आंखें हैं तो थोड़ा अलग है वो दोस्तों से पर यहाँ पर आंखों की बात नहीं हो रही यहाँ पर उनके व्यूज की बात है और भाषा आपने कहीं भी पढ़ी हो एक चीज जरूर पढ़ी होगी कई चीजें कॉन्क्रीट होती हैं कई चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं और जो कॉन्क्रीट चीजें हैं उनके लिए अलग चीजें आ जाती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं उनके लिए अलग पैटर्न बनते हैं वर्ब याद आ गई मुझे वेन इट कम्स टू दिल्ली व्हेन इट कम्स टू मुंबई दिल्ली आ जाए मुंबई मुंबई आ, आ जाए और अगर भाई साहब नाचने की बात आ जाए तो मणि लेकर मानते हैं इतना बारात में डांस करते हैं हम लोग तो एब्स्ट्रैक्ट सेंस भी बनते हैं इन्हीं का डिस्क्रिप्शन प्रिसाइज है यू डिफर विद अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ व्यूज बट यू डिफर फ्रॉम अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स आइडेंटिटी हैबिट्स ई टी सी अगर आप किसी से मतभेद रखते हैं तो वो डिफर विद के केस में आ जाता है आई डिफर विद यू जैसे अग्री विद उल्टा कर दो अग्री का डिफर विद अग्री टू अग्री ऑन एंड अपॉन भी पॉसिबल है पर हां डिफर फ्रॉम वो सिर्फ आपके लुक्स के तौर पर आ जाता है शिकायत है आप पूछेगा पढ़ लिया होगा शायद आई डिफर विद यू ऑन द व्यूज ऑफ लाइफ मैं आपसे सहमत नहीं हूं डिस के तौर पर एंड शी डिफर्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स प्रिसाइजनेस शिकायत वेलकम नेक्स्ट दैट्स रियल ही पैक्यूलियर क्या बात है सचिन शुक्रिया भाई शाकिल एग्जैक्टली exactly अगर मेरे वर्ड्स होते तो यही होते जो आपने लिखा माफी बहुत सारे शब्दों में जहां सुपर फ्लूस सेंस आता है यानी एक चीज को आप कुछ अलग शब्दों में दोबारा लिख देते हैं तो वो गलत माना जाता है मोर बेटर डबल कंपेरेटिव मोस्ट स्मार्टेस्ट डबल सुपरलेटिव नॉट नथिंग डबल नेगेटिव कम बैक पॉसिबल है रिटर्न बैक कैन बी एबल टू यूनाइटेड टुगेदर यूनाइट का मतलब भी तो इकट्ठा ही होता है और उस केस में टुगेदर मतलब भी इकट्ठा ही होता है एक चीज को दो बार क्यों लिख रहे हैं ड्रॉप दिस आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए प्रजाति कम्युनिटी दिखाने के लिए आर्टिकल भी तो आता है तो जो कोई नया हो वैसे तो बहुत लोग बचे ही नहीं अभी भी फिर भी जब फर्स्ट डे क्लास थी तो मैंने बताया था आर्टिकल्स में यूके में आर्टिकल ना लगा हो तो चल जाएगा गलती है पर अगर कोई दूसरी मिस्टेक है उस केस में आर्टिकल्स के बेचारे यार गजब भेजती है यार इनकी औकात औका दिन बेचारों की तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियंस लिखा है कि दी इंडियंस लिखा है चलेगा वो ब्लंडर थी ये मिस्टेक भी नहीं है और आपके सामने है करेक्ट करेक्ट शिकायत है पूछेगा नेक्स्ट अभिषेक क्या बात है आई हैव टू डॉटर्स और भगवान का बस ऊपर वाले की मेहर है कि दोनों की दोनों लड़कियां हैं दो बेटी है मेरी पर दोनों लड़कियां यार क्या बात है बहुत सही निखिल जो अमेरिकन इंग्लिश में सही भी है गोइंग टू गेट अमेरिकन इंग्लिश में सही है एग्जाम्स के लिए जहर की तरह काम करेगा शाकिल आई नो आप कौन हैं क्या है ठीक है गुड टू सी यू हियर दिल से बोल रहा हूं थोड़ी देर पहले जब ये स्लाइड्स बना रहा था तब मेरे पास भी ये शब्द था पीई एन सी एच ए एन टी और मेरी वकैम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मैं खुद ही बोल रहा हूं इस बात को परंतु कुछ चीजें क्लोज टेस्ट में अक्सर रिपीट होती रहती हैं एनहिलेट है बहुत सारे शब्द हैं जो अक्सर मिलते ही रहते हैं हर दूसरे तीसरे सिर्फ मिल जाते हैं तो वो याद हो गए हैं कि ये यार बहुत कॉमन सा शब्द है आई स्वेर एवरी बारी हेयर ये मैं खुद से बताने वाला था जो इन्होंने कॉमेंट में लिख दिया पर भाई आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो शायद आप भी ना जानते हो शायद स्वीटी सिंघल या हम में से कोई भी जिसको फोनेटिक सिंबल्स आते हैं यानी शब्दों का प्रोनाशिएशन देखना आता है उन सिंबल्स के आधार पर जल्दी से लाइव हूमे ठीक है टाइम खराब नहीं करना है जल्दी से इसका प्रोनौंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश का देख के बताइए जल्दी 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 टाइम सेव करें जिनको फेनेटिक सिंबल आते हैं प्रोनाशिएशन चेक करें तब तक मैं इसकी ग्रामर समझा रहा हूं शी हैज अ ग्रेट लाइकिंग फॉर स्वीट फिक्स है वैसे तो ऑक्सफोर्ड इसको बोल्ड करके लिखती है अ ग्रेट लाइकिंग फॉर किसी चीज को पसंद करना टू स्वीट्स ना होकर ग्रेट लाइकिंग फॉर स्वीट्स ही जाती है उसको ये चीजें तो बहुत पसंद है तो वो ग्रेट लाइकिंग फॉर दिस दिस फॉर फॉर दैट पॉसिबल है ग्रेट लाइकिंग को बहुत ज्यादा पसंद होना किसी चीज को वन वर्ड में ये भी कहा जाता है पी ई एन सी एच ए एन टी जिसका प्रोनाउंसिएशन पवन शॉन पवन शॉन नहीं रिया लाइकिंग इन नहीं होगा बेटा ग्रेट लाइकिंग के साथ तो फॉर ही लिखा जाता है आप लाइकिंग इन क्यों लिख रहे हैं? एक बार कीजिएगा। ठीक है इन <coughs> आदिल आपने तो spelling लिख दी है। इसका अमेरिकन इंग्लिश में है घर जाते वक्त आप लोग घर पर ही होंगे ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन होती तो मैं बोलता कि घर जाते वक्त चेक कर लेना इसका प्रोनाउंसिएशन और हंसते मुस्कुराते हुए जाइएगा इसका प्रोनाउंसिएशन है पेंशन इन अमेरिकन इंग्लिश पेन शंट तो है ही नहीं च नहीं होता पेनशंट नहीं है वो पेन शंट साक्षी याद रखना और शाम को मुझे याद दिला देना प्लस पे भी बता दूंगा परंतु ब्रिटिश इंग्लिश में बड़ा भयानक साउंड है दिस इज पॉन शॉन पॉन शॉन पोंग शोंग ये प्रोनाउंसिएशन है ऐसा लग रहा है इंग्लिश नहीं चाइनीज बोल रहा हूं पोंग शोंग दैट वे एक बार सुनिएगा कंफर्म कीजिएगा देख लेंगे डाउट्स वेलकम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन पेंट शर्ट भी चल जाएगा हाँ जैपनीज भी चलेगी सेम कैटेगरी हाँ नेक्स्ट ये बहुत अच्छा है एस ने इस बात पर एक बार इंप्रूवमेंट भी पूछा था <laughs> क्या बात है शाकिल बढ़िया ओहो एज अ पार्टिसिपल और डू बी प्रिसाइज एज एन एडजेक्टिव निखिल बुराना नहीं मानेंगे आई नो फिर भी भाई करेक्ट करेक्ट करना चाहूंगा आपने लैक एज अ वर्ब के साथ इन लगा दिया है लैक खुद ट्रांजिटिव है निखिल लैक खुद ट्रांजिटिव है कोई प्रोपोशन नहीं आएगा हाँ लैक जब नाउन है तब कह सकते हैं लैक ऑफ कॉमन सेंस और ऐसा कुछ भी लैक हुटिव है ही लैक्स कॉमन सेंस सही है कोई प्रोपोशन नहीं आएगा जी हा ही लैक्स नॉलेज एप्सोल्यूटली ही इज वॉन्टिंग इन ऑनेस्टी वॉन्टिंग इन में वॉन्टिंग adjective है जिसका मतलब हंड्रेड परसेंट लैक के जैसा हो जाता है किसी चीज की कमी और ये दोनों वॉन्टिंग इन साथ मिलकर यही पैटर्न आपका दिखा पाते हैं तो ही इज वॉन्टिंग इन ऑनेस्टी उसमें थोड़ी बुद्धि की कमी है उसमें ईमानदारी है ही नहीं he lacks ऑनेस्टी ही इज वॉन्टिंग इन कॉमन सेंस स के जैसा आंसर होगा और एस वालों को बाखूबी पता होगा हमें उसके अंदर ईमानदारी तो है ही नहीं इसीलिए कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता जिसके लिए नया हो प्लीज याद रखेगा वॉन्टिंग इन मै वॉन्टिंग एजिकटिव है पार्टिसिपल है के साथ प्रपोजिशन लेकर फिर अपना ऑब्जेक्ट ले पाता है का मतलब लैक की तरह कहा जा सकता है तो ही लैक्स कॉमन सेंस ही इज वॉन्टिंग इन कॉमन सेंस पॉसिबल है ऑब्जेक्शन वेलकम नेक्स्ट ये तो आसान सा है कमो शादी फ्री ही हैज शॉर्टेज ऑफ नॉलेज और ऑनेस्टी थैंक यू निखिल एक बार कंफर्म कीजिएगा और जो शिकायत मिले बता दीजिएगा हम्म hmm, रश्मि परफेक्ट बेटा रश्मि परफेक्ट बेटा और शाकिल जैसे आपने लिखा जी हाँ ये कुछ दिन पहले ही बने किसी बैच में डिटेल में पढ़ाए थे वापस के इन अकॉर्डेंस विद और किस दिन पहले क्या कल भी टकराए थे पर हाँ अकॉर्डिंग टू कहा जा सकता है अधेर टू कहा जा सकता है अबाइड बाय कहा जा सकता है कल भी आप लोगों ने लिखे थे और उस तरह के शब्दों को आप फॉलो कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद According to, there to abide by some set of fixed prepositions, common which are common तो so, ये तो रोज काम आते हैं शायद मुझे दिखाने की कुछ भी जरूरत है नहीं फिर भी लगे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट शानदार इसमें एडवाइज था क्या आई डिड नॉट नोटिस अच्छा अच्छा सही था मुझे लगा गलत था माय एडवाइस सी नाउन फॉम क्या बात है स्पीचलेस um, नाउ अब मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है जो लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आंसर है मैं भी बोल रहा हूं जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन सुनेंगे अभी देखेंगे और कमेंट्स में भी विजिबल है शायद आपको अगर हो तो सुप जी हां जब आपका लक फेवर करे अब हम मेरा एक दोस्त है वो जो भी एग्जाम देता है यार भगवान की दया से उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है पता नहीं क्यों तो भगवान उस पर हंसते नहीं है कि ऊपर बैठे बैठे उस पर हंस रहे हैं भगवान का हंसने का मुझे क्या पता हंस रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं उस तरह से परंतु यहां पर क्या सेंस है एक होता है स्माइल किसी को देखकर मुस्कुराना और ऊपर वाला हम पर मुस्कुरा रहा है क्या कर रहा है हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं पर हाँ बस भगवान की कृपा से हो गया तो वो फेवर के सेंस में आ जाता है तो आफ्टर ही आता है वैसे smile के साथ at ही आता है, पर ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कुछ इस सेंस में बनता है ऑक्सफोर्ड की सहायता से फिर से कुछ एग्जाम्पल आपके पास है ऑन फ्रेजल वर्ब है टू स्माइल ऑन समबडी ऐसी कोई भी चीज स्माइल्स ऑन यू दैट मीन यू आर लकी और सक्सेसफुल अगर भगवान खुश हो जाए आप पर स्माइल का मतलब यहां मुस्कुराने से मौकरी करने से नहीं होगा हां अगर मैं आपको देखकर स्माइल किया तो ही मी ही जाएगा बट इफ लक स्माइल्स एट मी तो वो मुझ पर हंसेगा तो नहीं हाँ मुझ पर आ, दो अच्छे शब्द याद आए ये पढ़ाते वक्त जैसे कई लोगों ने सुना होगा बेस्टोर्ड ऑन एंड अपॉन और एंडोर्ड विद शाकिल आपको तो पता ही होगा फिर आदिल हमने भी पढ़ा है वेदांश अच्छे से याद होगा हमने भी डिस्कस किया इस बात को इसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं स्माइल ऑन ऑन बेस्टोड विद भगवान की दया से ऊपर वाले की कृपा से जब आपको चीजें मिलती हैं यार उस पर तो कहो सरस्वती माँ की कृपा है सूर निगम वो तो जो सो हिट हो जाता है अपने आप हाँ में तो बेस्टोड ऑन और एंडोड विद ऊपर वाले के कर्म से जो होता है उसको कहा जाता है हमेशा ठीक है शिकायत हो पूछेगा दो और बच्चे फिनिश करते हैं इस बात को हाँ जी हैज बेस्टोड ऑन मैन विद नॉलेज भगवान ने इंसान को ही सोचने समझने की क्षमता दी है अभिषेक हाँ जी blessings showered on. क्या बात है अभिषेक बहुत अच्छे नेहा बहुत बढ़िया लिखा है आपने स्माइल यहां पर मेहरबान होने से है हंसने के पर्पज से नहीं है क्या बात है <laughs> जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और आ, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता पूरे दिन क्लासेस रहती हैं पर कभी आपका बर्थडे हुआ या कुछ ऐसी बात होती है और जब मैं आपको विश करूं टीचर्स डे है ई तो देखा होगा मेरी कॉमन लाइन है बोलने वाली गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड यू अचीव वट एवर यू हैव ड्रेम्प्ट आंसर एंड मे यू अचीव वट एवर यू हैव ड्रम्प्ट

गॉड God यू एंड यू अचीव वट एवर यू हैव dreamt ऑफ आपने जो कुछ भी सोचा हो कल्पना की हो सपने देखे हो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करे सो यू हैव of रोज के शब्द हैं और लास्ट पिक करके इसको फिनिश कर लेते हैं शाकिल बढ़िया ये अभी मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं था कि ड्रीम्ड भी पॉसिबल है ड्रैम्ड भी पॉसिबल है सेम यूके यूएस का डिफरेंस है Again again. हांजी लग रहा था कुछ गड़बड़ घोटाला तो है कि ग्लोरियस सक्सेस है आप सही हैं एडिटिंग ऑफ बाय लिखना प्रेफरेबल रहेगा हाँ मुझे ऑकवर्ड लगा था बट मेरी विजिबिलिटी यहां से मुझे इतना प्रॉपर नहीं दिखता है मुझे ज्यादा पीछे आना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए बट वो देख रखे थे इसीलिए पिक कर दिया बट थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी दैट इज ऑफ बाय अस थैंक यू नहीं नहीं अभिषेक कीप ऑन भी आ जाता है कीप ऑन द गुड वर्क जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए है, बहुत अच्छा कर रहे हैं कीप ऑन द गुड वर्क विनीता ट्वेंटी डिसम्बर हाँ माफी किताब में डिस्क्रिप्शन लिखा है कि यहां से इन हटा दीजिए वो ठीक है हटा दिया पर माफ करना जितनी मेरी नॉलेज है द भी नहीं आएगा मीन वायल शी ऑन वेडिंग आउटसाइड और उस दौरान वो बेचारी बाहर ही इंतजार करती रही मीन वायल शी ऑन इन्होंने लिखा एडवर्ब है जी हाँ और एडवर्ब आर्टिकल फॉलो नहीं करती तो इन माई ओपिनियन नॉट अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर था इन हटा दीजिए इन माय ओपिनियन इन भी जाएगा और आर्टिकल्स की बिस्ती तो कंरोज करते रहते हैं तो वो भी बेचारे जाएंगे बिकॉज़ आगे कोई नाउन नहीं है मीनवाइल शी सेड दिस मीनवाइल शी सेड दैट और आप इसे ड्रॉप कर दीजिएगा कीप ऑन हाँ जी कंटिन्यू के सेंस में जी हाँ कंटिन्यू के सेंस में और आगे नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स की बेचारे प्रेफरेंस नहीं बनता है ठीक है 1 मिनट आप लोग रुकना मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कल से क्या स्टार्ट करना है या इसी किताब के कुछ और सेट्स आपको सॉल्व करने हैं एक बार बता दीजिएगा मिनट लेट मी गो अहेड ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है इस सैटरडे नॉट टुडे आई एम सॉरी ये कल के लिए था सैटरडे वापस एक स्पेशल क्लास रहेगी सवा नौ बजे अगले तीन दिन बाद आप एनरोल कर लीजिएगा प्रपोजिशन को एम्फिसाइज करके और बहुत सारे वेरिएशंस दिखाना चाहूंगा तो वो स्पेशल क्लास है सैटरडे आपसे मिलते हैं हर वेंसडे आज Wednesday है ऑफ वेंसडेटीबर पर नए बैचेस स्टार्ट होते हैं एक चैक कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन सा रेलिवेंट है बिकॉज तो हर घंटे बहुत सारा अपलोड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी और प्लस पर भी ट्रस्टेड बाय ऑलमोस्ट बाईमोस्टरी बॉडी ऑफ दटर्स अक्रॉसैडमी बच कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए चाहे वो सीई के लिए हो एस बी एक्स क्लास के लिए हो रंग बैच हो या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज में या फिर आपके टारगेट एग्जामिनेशन के लिए बैचेस हो उनको एक बार चेक कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे भी दो बैच आज से स्टार्ट होंगे फॉर एन आई ए सी एल इन इवनिंग एट सेवन एंड एक्टली कैसे टाइम पर भाई साहब आप पीछे गए हैं क्लास दी इंग्लिश मीडियम वन यहाँ की मेजोरिटी हिंदी समझती है तो एक सेशन हिंदी में अच्छा है बाकी प्लस पर क्लासेस इंग्लिश में रहती हैं तो वो इंग्लिश मीडियम बैच भी आज से ही स्टार्टिंग है और हां जी आईबीपीएस एसओ SO का जो पार्ट था नेक्स्ट वो भी आज से स्टार्टिंग है जो लोग प्लस पर है एनरोल करके लाइव आ सकते हैं लिंक मैंने दिन में भी भेज दी थी और क्लास से पहले वापस सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में इंग्लिश बाय कपिल शर्मा ही नाम से जब भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं आज का डाउट फीचर में आप फोटो अपलोड कीजिएगा बहुत जल्द आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगी तो आपके लिए फायदा है लाइव क्लास में आप रेज योर हैंड से डाउट पूछ सकते हैं चैट कर सकते हैं और घर बैठे भी जब चाहे अपनी डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं हर संडे सुबह दस बजे फॉर बैंक बारह बजे फॉर एसएससी एक मॉक टेस्ट होता है जीतते हैं तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप या फ्री में सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेगी अदरवाइज प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाते हैं बैंक और एसएससी कॉम्बिनेशन पर डिस्काउंट फिर से है अप टू शायद आज तक के लिए वैलिड होगा ये टेन थाउजेंड की रेट एट थाउजेंड के आसपास प्लस छह महीने एडिशनल कम होगी शादी फ्री दैट वे और uh, आरबीआई नबार्ड कंबाइन कम, करने के बाद वो डिस्काउंट अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट के आसपास पहुंच जाता है एक बार चेक कर सकते हैं जो आपकी प्राइसेस हैं डिस्काउंट के बाद मौजूद है और कल लास्ट डेट रहेगी इन सब ऑफर्स की जो कोई प्लस पर आना चाहे एज एज पॉसिबल आ सकते हैं फॉर बैंक या किसी भी स्ट्रीम में बैंकिंग के लिए प्रॉमिस ऑफर एक साल पर तीन महीने जो अक्सर दो रहते थे दो साल पर छह महीने अवेलेबल है वो भी डिस्काउंट प्राइस के बाद और या आरबीआई कम्बाइन करने के बाद और ज्यादा मौजूद है आप में से कोई भी आना चाहे कैन यूज माय कोड दैट इज कपिल सर लाइव

नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैं देख रहा हूं जो कोई नया हो कल शाम को पांच बजे आपसे वापस मिलते हैं जो टेलीग्राम का पार्ट नहीं है catch me with the same name शर्मा। शाम बजे प्लस पर घंटे में मिलते हैं और आठ बजे और अब ऑल काइंडली बी सेफ सेफ्टी का ध्यान रखिएगा भाई साहब कह रहे हैं तो विशेषता ध्यान रखिएगा टॉपिक प्लीज धन्यवाद <laughs> भवाम उपकरोतिश्च महोदय थैंक यू अभिषेक ट्वेंटी बहुत पीछे पहुंच गया होगा आप एक बार चेक करना आप भी रोज आते हैं जो भी शिकायत है कल आकर मुझे आप लिख दीजिएगा विल डिस्कस ठीक है कल आकर आप लिख दीजिएगा आई विल डिस्कस टेंस अरे निखिल क्या बात है आ, जैसे एक लाइन कही जाती है यू गिव रिस्पेक्ट यू टेक रिस्पेक्ट इज्जत देने से ही मिलती है हमेशा तो थैंक यू इतने प्यारे वर्ड्स के लिए ठीक है टाइम और टेंस की क्लास <laughs> तमिल वाला बैच चलता रहता है बता देंगे आपको कब स्टार्ट होने वाला चलिए कल टेंस स्टार्ट करते हैं पर सचिन टेंस की स्पेलिंग भाई थोड़ा सा सही कर लीजिएगा ठीक है शुक्रिया सी यू टूमोर द सेम टाइम फॉर अ सेशन ऑन टेंस इन इंग्लिश थैंक यू